एनएससीजीएस की कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है? तो कट ऑफ डिसाइड करने के लिए आपको दो शब्द जरूरी होते हैं। आईएपीटी दो शब्द का यूज करती है, एक होता है एमआई, एमआई इज मेरिट इंडेक्स, एक होता है एमएएस व्हिच इज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। तो मेरिट इंडेक्स होता है बेटा 80% ऑफ एवरेज ऑफ टॉप 10 स्कोर। इसका मतलब है कि अगर ऑल इंडिया में बच्चों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो पूरे देश के टॉप 10 बच्चे उनके मार्क्स का निकाला जाएगा एवरेज, और उसका 80% ऑफ दैट एवरेज, अगर ये इंटीजर नहीं आता है, कोई डेसिमल में आता है, तो नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर, उस 80% निकालने के बाद जो भी लोएस्ट उसका इंटीजर बनेगा, दैट इंटीजर विल बी मेरिट इंडेक्स। अगर आपके नंबर उससे ज्यादा है, 80% ऑफ द टॉप 10 ऑफ ऑल इंडिया, तो आप अंदर हैं स्टेज 2 की तरफ, वेलकम। अगर आपके नंबर उससे कम है तो मतलब आप सेलेक्टेड नहीं है। दूसरा आता है बेटा एमएएस। एमएएस क्यों आता है? स्टेट वाइज कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। काफी बार, क्योंकि अलग अलग स्टेट के हिसाब से कुछ सीट्स फिक्स की गई हैं, तो काफी बार सीट्स खाली रह जाती है स्टेट में। तो अब क्या होता है, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर देखा जाता है कि अगर किसी बच्चे का स्कोर मिनिमम एडमिसिबल स्कोर है और उस स्टेट की सीट खाली है, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर से ज्यादा है और स्टेट की सीट खाली है, तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। बट वो स्कोर कितना है? वो स्कोर है बेटा 50% ऑफ एवरेज ऑफ टॉप 10। भाई कि ऑल ओवर इंडिया के जो टॉप 10 रैंकर्स हैं उनके मार्क्स के एवरेज का 50% इज एमएएस। अगर आपके स्टेट की सीट खाली है और आपका 50% नहीं है स्कोर, एमएएस 50% नहीं है, तो भले ही वो सीट खाली चली जाएगी लेकिन बच्चा क्वालिफाई स्टेज 2 के लिए नहीं होगा। सो दिस इज हाउ कट ऑफ इज कैलकुलेटेड फॉर NSCJS या फिर NSEC, NSEB, जितने भी एग्जाम IAPT की बॉडी करा रही है।